अरे योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा कर क्या उनकी पूंछ पटेगी? कुशवाहा 24 के पंचायत नहीं हुई, वहाँ तो भाजपा वालों की मीटिंग थी, लेकिन जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। हाँ, वो योगी जी भी यही कह रहे कि किसी के बहकावे में ना आवे, जो पूर्ण करा वही काम करो। इस बार आज आज 24 की पंचायत थी, उस दिन भाजपा की मीटिंग थी, और भारतीय जनता पार्टी को सभी सांसदों के टिकट काटने पड़ेंगे कि उनपे कोई तिल भर भी आँच नहीं आए। ठाकुर साहब, राजपूत समाज का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी भी अब तो सोम चौबीसी में अपनी जनसभा कर चुके हैं, तो क्या माना जाए कि जो निर्णय ननौता की पंचायत में लिया था उस पर कायम रहेंगे आप सब? देखो, वो जो निर्णय ननौता की पंचायत में हुआ था ना, वो निर्णय किसी व्यक्ति का नहीं था, वो पूरे देश के राजपूत समाज का निर्णय था। मेरा सौभाग्य है कि समाज के एक छोटे से सिपाही को उस निर्णय को सुनाने के लिए मतलब समाज ने कहा, तो ये मेरा सौभाग्य है, ये ऋण मेरे पर कभी उतरेगा नहीं। मुझे समाज ने कहा कि इस बार हम जो हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ, हमारी माँ बहनों को जो गालियाँ दी गई, हमारे नेताओं के साथ जो दुर्व्यवहार करा गया, इस बार यदि इस परंपरा को बंद करना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना पड़ेगा। राजपुर छाजपुर में एक पंचायत हुई थी, उसमें भाजपा के समर्थन की बात की गई और कहीं ना कहीं आप पर भी गंभीर आरोप वहाँ उसमें लगाए गए। देखो, जो भाजपा के लोग हैं वो भाजपा का ही तो समर्थन करेंगे, वहाँ किसी कुशवाहा 24 की पंचायत नहीं हुई, वहाँ तो भाजपा वालों की मीटिंग थी, और हमारे पर आरोप लगाने की बात यह है। देखो, वो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। कहीं ना कहीं उसी पंचायत को देखते हुए आज की पंचायत की गई? नहीं, ये तो आज आज 24 की पंचायत थी, उस दिन भाजपा की मीटिंग थी, आज 24 ने ये कहा कि 7 तारीख में जो समाज ने निर्णय लिया था उस निर्णय पे 24 खरी उतरेगी। दीपक सोम जी ने जिक्र किया कि अधिकारी का फोन आया था कि योगी आदित्यनाथ जी से बात करनी हो तो वो करा देंगे, तो क्या उनसे बात करने के लिए आप तैयार हैं? देखो, वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, और यदि वो हमारे से बात करें तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन कम से कम वो बात करें। तो आपने अपने भाषण में ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जो पूरन कहेगा उसकी मान लेना। नहीं, वो पत्रकार बंधु ने मेरे से एक से पूछा कि योगी जी ये कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आवे, और किसी के बहकावे में ना आवे राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करें, तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, वो योगी जी भी यही कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आवे, जो पूरन करा वही काम करो इस बार। अच्छा ठाकुर साहब, एक चीज और, अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर देती है तो क्या ये विरोध पूरी तरह से शांत हो जाएगा? लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को ये कानून बनाना पड़ेगा कि इस देश में किसी भी महापुरुष की मूर्ति के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा। ये कानून बनाना पड़ेगा कि जो माताओं को, बहनों को, हमारी वीरांगनाओं को गाली देने वाले व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। जो ऐसे सांसद हैं उन सांसदों का बहिष्कार करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को सभी सांसदों के टिकट काटने पड़ेंगे। उसके बाद ही ये आक्रोश, ये लड़ाई किसी के टिकट की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है, महापुरुषों के अपमान की है, माताओं बहनों को जो गाली दी गई उसका बदला लेने की है, ये शांत होने वाली नहीं है। आप लोगों को ये आशंका क्यों सता रही है कि अगर मोदी सरकार फिर से बन गई, तीसरी बार मोदी सरकार आ गई, तो योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा? अरे, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा कर क्या उनकी पूंछ पटेगी? वो इतने बड़े मटके महंत हैं, इतने बड़े मटके महंत हैं, और इतनी बड़ी बिरादरी के नेता हैं कि उन पे कोई तिल भर भी आँच नहीं आ रही। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।